मध्य प्रदेश में भी लगातार कोरोना वायरस से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या बढ़ती जा रही है। इंदौर में 5 व्यक्तियों में कोरोना पॉजिटिव मिला है। इनमें से 4 इंदौर और 1 उज्जैन का रहने वाला है। मरीज में कोरोना की पुष्टि होने के बाद उज्जैन में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इंदौर में 5 लोगों में कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया है। इनमें से 3 मरीज बॉम्बे अस्पताल, 1 अरिहंत अस्पताल में और 1 MY अस्पताल में भर्ती है। 3 मरीज एक ही परिवार के हैं, ये ऋषिकेश घूमने गए थे। इनमें से 4 की कोई फॉरेन हिस्ट्री नहीं है। प्रशासन पता कर रहा है कि किसके संपर्क में आने से इन्हें कोरोना पॉजिटिव हुआ। इंदौर कलेक्टर लोकेश कुमार जाटव ने कहा है कि इस बात को लेकर पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। सभी मरीजों की हालत स्थिर है और वे चिकित्सक की निगरानी में हैं। सभी का बेहतर इलाज हो रहा है और अन्यत्र संक्रमण न हो इसके पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 4 इंदौर के रहवासी हैं और इनमें से 1 उज्जैन का। कलेक्टर जाटव ने यह भी कहा कि प्रशासन आम जनता को जरूरी सामान घर पर ही उपलब्ध कराने के लिए ठोस उपाय करने जा रहा है। जरूरी सामान घर पर उपलब्ध कराने के लिए ऑनलाइन स्टोर्स, वेंडर और विक्रेताओं के डिटेल्स जल्दी जारी कर दिए जाएंगे। जो ब्लड सैंपल्स भेजे गए थे टेस्ट के लिए, उसमें कल देर रात हमें जो रिपोर्ट्स प्राप्त हुई हैं उसमें से 5 केसेस पॉजिटिव हैं। 4 उसमें से इंदौर के रहवासी हैं और 1 हैं उज्जैन के हैं। अभी 5ों की कंडीशन हमारे जो वरिष्ठ डॉक्टर्स हैं उनकी निगरानी में उन्हें रखा है। एज ऑफ नाउ 5ों लोगों की कंडीशन स्टेबल है। अभी हम लोग उनकी कॉन्टैक्ट ट्रैकिंग करा रहे हैं कि वो इमीडिएटली किस किस के कॉन्टैक्ट में आए थे और फिर हमारे आगे की कार्यवाही हमारी प्रारंभ होगी। उज्जैन के 1 और व्यक्ति में कोरोना वायरस पॉजिटिव मिला है जिसका इंदौर के MY अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसके बाद उज्जैन में कर्फ्यू लगा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक महिला मरीज को 22 मार्च को उज्जैन के चैरिटेबल अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। ज़्यादा सर्दी खांसी के बाद उसे माधव अस्पताल शिफ्ट किया गया और इसके बाद कोरोना वायरस के लक्षण दिखने के कारण उसे इंदौर के MY अस्पताल में लाया गया, जहां बुधवार सुबह उन्हें कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया। उज्जैन कलेक्टर शशांक मिश्रा ने आमजन से अनुरोध किया है कि वह अपने घरों में रहें। इधर इंदौर में नगर निगम ने कहा कि सतर्कता अत्यंत ही आवश्यक है। यदि किसी व्यक्ति को डॉक्टर द्वारा होम क्वारंटाइन के निर्देश दिए गए तो वह इसका अनिवार्य रूप से पालन करे तथा घर में अलग कमरे में आइसोलेशन में रहे। निगम आयुक्त आशीष सिंह ने बताया कि आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता के लिए नगर निगम भी व्यवस्था कर रहा है। हर वार्ड में जरूरी वस्तुओं के निगम द्वारा संचालित 5 सेंटर बनाए जाएंगे। जो स्ट्रेटजी है वो यही है कि पूरी तरीके से लॉकडाउन रखकर और सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से जो भी अगर केसेस कुछ आए भी हैं उनको बढ़ने से रोका जाए, और इसके लिए जो भी निर्देश कल जो प्रसारित हुए हैं केंद्र सरकार के, इसके पहले जिला प्रशासन के आदेश प्रसारित हुए हैं, उन्हीं का पालन करवाया जाएगा। इस बीच में लोगों के बीच में पैनिक ना हो, जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो उनको आसानी से उपलब्ध रहें, इसके लिए नगर निगम 2-3 चीज़ें कर रहा है। हर वार्ड में हम लोग 5 ऐसी जगहें चिन्हांकित कर रहे हैं जो जहां पर खाली मैदान टाइप का या कोई खुली जगह होगी, जहां पर हम लोग ठेलों के माध्यम से या फिर अस्थायी दुकानों के माध्यम से सब्जियाँ और दूध जैसी आवश्यक जो वस्तुएँ हैं उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे, जिससे लोगों में अनावश्यक जो है वो पैनिक ना हो। जो वर्तमान मंडियाँ हैं वहाँ पर भी हम लोग चूने की लाइन वगैरह डलवा के उसमें प्रॉपर डिस्टेंसिंग रहे ये सुनिश्चित कराएंगे। कुछ ऐसी जो लोकेलिटी हैं जहाँ पर ये केसेज मिले हैं, जो 5ों केसेज यहाँ पर पॉजिटिव मिले हैं, वहाँ का बहुत ही वृहत स्तर पर सैनिटाइजेशन हमारे सोडियम हाइपोक्लोराइड के द्वारा कराया जाएगा, जो हमारी टीमें भी कुछ देर में वहाँ पर पहुँच जाएंगी। इसके अलावा जो बाहर से आने वाले 3,138 लोगों के हमारे पास सूची है, शाम तक नगर निगम की टीम प्रत्येक घरों तक पहुंचेगी और एक बार ये जानकारी इकट्ठा करेगी कि वहाँ पर कोई भी उनको सिम्टम्स तो नहीं है, जिससे अगर आगे की कोई कार्रवाई होनी है तो जिला प्रशासन के द्वारा, हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा करी जा सकती है। इंदौर में 5 मरीज मिलने के बाद मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। इसके पहले जबलपुर में 6, भोपाल, ग्वालियर, शिवपुरी में 1-1 मरीज मिले हैं। सबसे पहले जबलपुर में 4 मरीज मिले थे, इसके बाद भोपाल में, ग्वालियर और शिवपुरी में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। लाइफ इज अबाउट टू चेंज, नो मोर 8 घंटे की नींद, नो मोर लेट नाइट मूवीज, नो मोर पार्टीज विद फ्रेंड्स। बिल्कुल सही कहा तुमने, इसके फ्यूचर के लिए अब नो मोर हॉलीडेज, नो मोर शॉपिंग और नो मोर फिजूल का खर्च। लेकिन अगर इसका फ्यूचर ऑलरेडी सिक्योर्ड हो तो रियली डैडी बने हो, देवदास नहीं जीना छोड़ दूंगा, हॉलीडेज छोड़ दूंगा। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में। क्यूट वाले मेहमान से पहले LIC। बाकी सब बाद में, पहले सुन मेरी बात रे। लाइफ के टेढ़े मेढ़े रोड पे होंगी चुनौतियाँ हर एक मोड़ पे, बट हमने कभी ना फिकर की, पर हमने कभी ना फिकर की, क्योंकि हमने पहले ले ली LIC।
घर हो अपना, फॉरेन की डिग्री और छुट्टी विद जिगरी है मेरे ड्रीम्स न जाने कितने 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 कितने, पर हमने कभी ना फिकर की क्योंकि हमने पहले ले ली LIC, क्योंकि हमने पहले ले ली LIC। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में, पहले LIC। ऋषि, ये पंडित जी क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि मुझे तुम्हें जिंदगी के सभी खतरों से बचाना है। फिर तो मेरी लय खतरे में है, क्योंकि जो कॉकरोच से डर जाए वो मेरी क्या रक्षा करेगा? वह कॉकरोच छोड़कर तुम्हारी पूरी लाइफ एकदम सिक्योर है। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में, फॉरएवर वाले रिलेशनशिप से पहले LIC। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।